नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। लगातार अखिलेश यादव चर्चा में बने हुए हैं और एक मुद्दा जो बार बार अखिलेश यादव के सामने आ रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई मंत्री हो या सदस्य हो उनकी पार्टी का, वो अखिलेश यादव को छोड़ने के लिए तैयार है और बार बार अखिलेश यादव को छोड़कर जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पन्ना यादव जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, उसके बाद उनके चाचा जो कि शिवपाल यादव हैं उनके छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के पार्टी के सदस्य आजम खान, जो कि 2 साल से जेल में बंद है, अब उनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो भी अखिलेश यादव के साथ बगावत करेंगे। दरअसल मुद्दा क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी, ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लेकर उतरने वाले अखिलेश यादव हार के बाद अकेले पड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ चाचा शिवपाल के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं और वह सपा की मीटिंग में ना बुलाए जाने के लेकर नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का खेमा भी नाराज बताया जा रहा है। आजम खान सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। लंबे समय से वह कई मामलों में जेल में बंद हैं और उनके समर्थक सब अब खुलेआम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रामपुर में सपा के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने तो सीधे अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जब जेल भेजा गया और उनकी संपत्तियां जब्त की गईं, तो अखिलेश यादव चुप बैठे रहे। उनका यह भी कहा कि सपा ने 111 सीटों मुसलमानों के ही वोटों से जीती है। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह को राज्य का सीएम बनाने में मुस्लिम वोटर्स का बड़ा योगदान है। यह पहला मौका था जब आजम खान के खेमे की ओर से इस तरह अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ कहा गया। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान सपा छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक अलग पार्टी बनाने की चर्चाएं भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह की बगावत होने की वजह क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी की यूपी चुनाव में करारी हार ने एक तरफ गठबंधन के साथियों में मतभेद है पैदा कर दिया, तो वहीं पार्टी में भी अंदरखाने बागी सुर उभरने लगे हैं। इसकी वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास अपने नेताओं को समाहित करने के लिए उपयुक्त पदों की कमी है। यूपी विधानसभा में यह नेता विपक्ष का पद किसी को दे सकती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरेश उत्तम पटेल पर उनका भरोसा बना हुआ है। संगठन और विधानसभा दोनों ही स्तरों पर शीर्ष पद खाली नहीं है। ऐसे में आजम खान के समर्थकों के लिए यह एक बड़े झटके की तरह है, जो अब पूरी तरह से नेपथ्य में चल रहे हैं। यही नहीं, आजम खान का किसी प्रमुख पद पर ना रहना मुस्लिम समुदाय के बीच भी गलत संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अखिलेश यादव की रणनीति यह है कि आजम खान के मसले को लेकर ज्यादा आक्रामक ना दिखें, क्योंकि ऐसा करने में भाजपा उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा सकती है। उनकी इस रणनीति का फायदा विधानसभा चुनाव में तो नहीं मिला, लेकिन हार के बाद इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।